जब से वाइट स्टूडियो का नाम चालू हुआ है, बाप रे बाप, ये शिवराज शुक्ला जो है वाइट स्टूडियो में ये खोलोगे तो बार बार करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना भाई अभी चल रहा है यूट्यूब पे, क्या बताएं। किसी को सही जानकारी तो है नहीं, बस झूठ फूट का जानकारी देते रहते हैं। अगर वाइट स्टूडियो बार बार खोलते हो तो आपका चैनल डेड हो जाएगा, बट होता है, लेकिन क्या करने पे होता है मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। बस वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा वॉच नहीं करके देखते हैं तो आप लोग ऐसे ही झमेले में फंसते रहेंगे और आप कभी YouTube पे ग्रो नहीं कर पाओगे भाई। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप जैसे मेरा चैनल ग्रो हो रहा है उसी तरह से आपका भी चैनल ग्रो हो जाएगा भाई। मेरा ओनली 4 महीने हुआ है चैनल का, आप देख लो जाकर के भाई। अब किस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ रहा है और वीडियो में व्यू आ रहा है किस तरीके से, 950 के लगभग है भाई, 6,500, 7,000, 14,000, 18,000, 20,000 ऐसा करके व्यू आ रहा है। किसी बड़े क्रिएटर को पावर है इतना लाने का, ला करके दिखा दे इतना कम सब्सक्राइबर में इतना सारा व्यू। तो बट मैं वो काम करता हूं, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं भाई, जो ये YT स्टूडियो का अभी जो सिलसिला चल रहा है YouTube पे, आप लोग को सिर्फ दिमाग खराब करता है और कुछ भी नहीं। अगर आप उसके चक्कर में रहोगे तो भाई कभी YouTube पे ग्रो नहीं कर पाओगे। YT स्टूडियो खोलने से नहीं, क्या करने से होता है चैनल डेड, मैं वो अभी पूरा जानकारी दूंगा आपको। होता है भाई, मैं कहता हूं होता है, लेकिन खोलने या बैठने से कुछ भी नहीं होता है भाई। ये जो फैला के रखा मैं अभी दिखाता हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है भाई। मेरा एक चैनल था जो मेरा डेड हो चुका है, मैं क्या गलती किया था जो डेड हुआ मैं सारा कुछ जानकारी दूंगा आपको। अब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटा को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो बंदा है ना यूट्यूब पे ना नाको दम करके रखा है, इतना क्लिक बेट करता है, बस खाली वाइटी स्टूडियो, बस वाइटी स्टूडियो, बस वाइटी स्टूडियो, दूसरा कोई कैटेगरी नहीं भाई। एक वाइटी स्टूडियो को लेकर के ये इतना सारा उड़ रहा है और व्यू छाप रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। सबसे पहले प्रूफ दिखा देना चाहता हूं भाई, सबसे पहले मैं यूट्यूब पे लेकर के आपको चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि वो बंदा क्या करता है सबके साथ। मैं आपको सारा कुछ अभी लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं और मैं अपना भी चैनल दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ कि मेरा चैनल कैसे डेट हुआ था, ठीक है भाई, कौन सा चैनल था जो मेरा डेट हो गया था। और ये सब जो आप भी ना अफवाह फैला रहे हैं यूट्यूब पे कि YT स्टूडियो को बार बार खोलने से आपका चैनल डेट हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है भाई। लेकिन हाँ डेट होता है, मैं कहता हूँ डेट होता है, लेकिन क्या करने पे होता है मैं वो जानकारी देता हूँ आपको अभी। सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ, इस भाई ने जो बार बार जो गंदगियां फैला रहे हैं यूट्यूब पे, मैं सारा कुछ अभी दिखा देता हूँ आपको लाइव प्रूफ। ये आपको चैनल दिखा देता हूँ, ये भाई ने ना बवाल करके रखा है, ये चैनल का देख लो आपका, इसका नाम क्या है, शिवराज शुक्ला, शिवराज राज शुक्ला, ठीक है भाई। ये देखो इसका वीडियो पे चलता हूँ और पॉपुलर वीडियो पे चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले पॉपुलर वीडियो पे मैं गया और इसको दिखाता हूँ, देखिए बस YT स्टूडियो का ये सेटिंग ऑन कर लो, YT स्टूडियो में ये 3 हेड एंड सेटिंग कर लो, बस YT स्टूडियो को ये छोड़ नहीं रहा है, ये YT स्टूडियो में कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बस ये, बस यही जानकारी देते रहता है, दूसरा कुछ नहीं है इसका काम, बस भड़काते जा रहे हैं आप लोग को और आप लोग भड़कते जा रहे हो कि भाई YT स्टूडियो को खोलने से क्या मेरा चैनल डेट हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, बट होता है। मैं चलिए आप आपको प्रूफ दिखाता हूँ, एक मेरा चैनल था मैं आपको दिखा देता हूँ, तब आपको प्रूफ होगा भाई कि नहीं क्या करने से होता है। मैं अभी पूरा जानकारी दूंगा भाई, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो देखिए ये ऑफिशियल ट्रेंडिंग मेरा एक चैनल था जिसमें करीब मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरने वाला था भाई। मैं इस चैनल को क्यों छोड़ा हूं? आपके आंख के सामने लाइव में दिखा रहा हूं, 852 सब्सक्राइबर है, ये मेरा चैनल कैसे डेट हुआ मैं सारा कुछ अभी जानकारी दूंगा भाई। ये जो डेट हुआ है भाई इसका मैं अभी YT स्टूडियो में ले जाकर के दिखाता हूँ इस चैनल का, तब आपको यकीन होगा किस कारण हुआ था नहीं हुआ था। और ये जो बेवकूफ बनाते हैं अब बेवकूफ मत बनो। अब देखो मैं ये चलता हूँ, ये तो मेरा नया ये चैनल है, मैं उस चैनल पे ले जाकर के दिखाता हूँ
कि मेरा किस कारण से मेरा ये चैनल डेट हुआ। अभी आप देख सकते हो मेरा इसमें व्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरा चैनल पूरा डेट हो चुका है, आपके आंख के सामने है, देख लो कुछ भी व्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो वॉच टाइम 00 है, व्यू सभी डाउन हो चुका है। आप देख सकते हो ये मेरा ऑफिशियल ट्रेंडिंग राजीव है, कितना सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मैं कितने इस पे वीडियो डाल लूं, मेरा ये चैनल कभी ग्रो नहीं होने वाला है। तो मैंने इस पे क्या गलती किया था जो मुझे ये सजा मिला है? तो भाई ये आप लोग क्या करते हो, बार बार आ करके अगर वाईटी स्टूडियो में ये जो वीडियो का मैं दिखा देता हूं आपको, ये जो टाइटल देख रहे हो, जैसे मानते हैं ये वीडियो का जो टाइटल है, अगर आप बार बार आ करके इसको चेंज करते हो, अगर इसको चेंज करते हो, नहीं भाई ये लगा दूंगा तो मेरा चैनल ये वीडियो पर मतलब वायरल हो जाएगा, ये टाइटल लगा दूंगा तो इसमें लगता है कि थोड़ा भाई मैं वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि उसका वायरल हुआ, ये टाइटल लगा दूं तो मेरा भी वायरल हो जाएगा। इसके चलते मेरे को भी शुरू शुरू में समझ में नहीं आ रहा था ये चैनल का कितना साल हो गया भाई, 3 साल। मैं इसलिए बोलता हूँ मेरा 4 साल से एक्सपीरियंस है, मैं हर चीज का भुगतान कर चुका हूँ भाई, मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है मैं सारा चीज भोग चुका हूँ, मैं सारा भुगतान कर चुका हूँ भाई। इसलिए बोलता हूँ आप लोग बस ये गलती मत करना, कभी जाकर के वाईटी स्टूडियो में वीडियो का टाइटल कभी कभी आप लोग चेंज नहीं करना, जो भी है रहने दो, अगर उसको वीडियो वायरल होने का रहेगा तो जरूर होगा एक दिन ना एक दिन। अगर आप बार बार आज करके टाइटल चेंज करते हो तो आपका चैनल हमेशा के लिए, जैसे मेरा डेड हो चुका है उसी तरह आपका भी डेड हो जाएगा। और दूसरा गलती, अगर आप क्रोम से जाकर के क्रोम में जाकर के आप खोलते हो ना YTStudio.com पे जाकर के, जैसे मानते हैं यहाँ पे हम सर्च करते रहे YTStudio.com है, जैसे यहाँ से आप खोलते और लॉगिन करते हो, लॉगिन करके जैसे आप जाते हो अपने चैनल पे, यहाँ से अगर बार बार आप खोल करके अगर कुछ करते हो तो इसमें क्या सेट मतलब क्या प्रॉब्लम होता है जो मतलब अगर यहाँ से आप खोलते हो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है जो चैनल डेट हो जाता है? भाई इसमें कुछ नहीं होता है, बट क्या है यहाँ से सारा सेटिंग है भाई, जब कुछ सेटिंग हम करते हैं जब चैनल बनाते हैं सारा सेटिंग हम यहीं से करते हैं। अगर आप यहां से बार बार खोलते हो, अगर एक चीज पे भी बिगड़ गया, दूसरा चीज आपसे दबा गया, तो आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता है भाई। इसलिए बोलता हूं कि यहां से मतलब ओपन बार बार मत करना, और जैसे ये मेरा देख रहे हो चैनल का हाल, उसी तरीके से आपका भी चैनल का हाल हो जाएगा अगर आप बार बार आकर के वीडियो का टाइटल बदलते हो या डिस्क्रिप्शन बदलते हो या टैग बदलते हो, तो तब आपका चैनल डेड हो सकता है भाई, समझ गए, तब आपका चैनल डेड हो सकता है। इसलिए बोलता हूं कि अगर आप ये काम जब करते हो तो आपका चैनल में इफेक्ट आ सकता है, समझ गए भाई। और कुछ भी ऐसा करने से नहीं होता है, जो बोलता है कि बार बार वाईटी स्टूडियो को ओपन करोगे तो भाई आपका चैनल डेड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिन भर में 75 बार 100 बार खोलो, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई, मैं इसलिए बता दिया आपको, सतर्क कर दिया। अगर आप ये सब चीज करते हो तो जैसा मेरा चैनल का वो हाल हुआ है, उस तरीके से आपका भी चैनल का हाल हो सकता है। तो इसलिए मैं बताऊंगा, आप वाईटी स्टूडियो में जाओ, आपको जो मतलब जो भी जरूरी है काम बस वो करो, और वीडियो अगर कोई अपलोड कर दिए हो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना भाई, अगर छेड़खानी करोगे तो मेरे जैसे आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।